हेलो फ्रेंड्स, ये केक देख सकते हैं आप, कितना डिलीशियस दिख रहा है ना देखने में, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। ये व्हिप्ड क्रीम भी मैंने घर पर बनाना बताया है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। बहुत ही आसान है केक को बनाना, ये बहुत ही स्पंजी केक बना हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। केक को बेक करने के लिए एल्यूमिनियम या नॉनस्टिक कढ़ाई या कुकर लें। आप उसके ऊपर कटोरी या स्टील का कोई भी सर्कल में स्टैंड हो, जो भी स्टैंड इसके ऊपर रख सकते हैं, या एल्यूमिनियम का पतीला ले सकते हैं। बस केक को बेक करने के लिए स्टील के बर्तन का यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसका ढक्कन बंद करके 8 से 10 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने दें, जब तक दूसरी तैयारी करते हैं। ऐसा घर पर आपके पास बाउल हो वो ले सकते हैं, या नहीं है ऐसा कंटेनर तो आप केक टिन हो केक टिन ले सकते हैं। उसको अच्छे से ग्रीस कर लें। ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल लें, कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए इस ऑयल में। ऑयल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लें। बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर ले सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप ऐसा कोई भी प्लेन पेपर को उसके ऊपर रखकर शेप देने के लिए, ताकि उस पर ऑयलिंग हो जाए, सर्कल शेप आ जाए, ऐसा सर्कल शेप दे दें और इसे केक टिन में लगा लें। इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लें। आप इसके लिए फ्रेश रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें, कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए इस रिफाइंड ऑयल में। सेकंड ट्रिक ये है कि आप अच्छे से ग्रीस कर लें केक टिन को, और उसमें मैदे का अच्छे से पूरा डस्टिंग कर लें ऊपर तक, और इसका एक्स्ट्रा मैदा है उसे पलटाकर एक्स्ट्रा मैदा को अलग कर लेते हैं। ऐसा करके ऐसे भी कर सकते हैं आप। आज हम बिस्किट से, पार्ले जी बिस्किट से केक बनाना बता रहे हैं। बिस्किट से केक बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए 260 ग्राम बिस्किट लिया है, 5-5 रुपए के 4 पैकेट लिया है। इसे तोड़कर मिक्सर में डाल देते हैं और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये अच्छे से इसको बारीक पीस लिया है। अब इसमें 1/2 कप चीनी का बूरा ऐड करते हैं। चीनी को घर पर मिक्सर में अच्छे से बारीक पीस लिया है। इसमें ज़्यादा चीनी का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठी होती है। यदि आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आप चीनी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 1.5 कप नॉर्मल मिल्क का यूज़ किया है। ये दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है, रूम टेम्परेचर पर। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इसमें दूध ऐड करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। एकदम से ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है, नहीं तो गुठलियाँ बन सकती हैं। ये अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, तो इसमें दूध और डालना है। यदि ये बैटर गाढ़ा होगा तो हमारा केक अच्छा फ्लफी और स्पंजी नहीं बनेगा। ये बैटर अब परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। ऐसा होना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी। ये रेडी हो चुका है ये बैटर। अब इसके लिए आप इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड कर दें। वनीला एसेंस बहुत ही सस्ता होता है और मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वनीला एसेंस डालने से अच्छा फ्लेवर आता है, और यदि ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें इनो ऐड करते हैं। आपके पास रेगुलर जो भी ब्लू पैकेट या लेमन फ्लेवर का हो वो ऐड कर सकते हैं। एक पैकेट ऐड कर दिया है इसमें इनो, और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। दूध डालने से ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, और इसे 5 से 6 सेकंड बस एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है। ज़्यादा इसको फैटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसे तुरंत ही केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसे
रेस्ट के लिए नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखें आप। तीनों को मिक्स करने के बाद 5 से 6 सेकंड ही से घुमाया है और केक टैन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसे 5 से 6 बार टैप किया ताकि इसमें एयर बबल्स ना हो। कढ़ाई भी हमारी अच्छे से हीट हो चुकी है। अब इसमें केक टैन को रख दिया और 30 से 35 मिनट के लिए इसे मीडियम स्लो फ्लेम पे बेक होने दें। बीच बीच में बार बार इसको खोल कर नहीं देखना है। मिनिमम आपको लगता है तो 20 से 25 मिनट में खोल कर देख सकते हैं। बीच में ये अच्छे से बेक होते जा रहा है। 35 मिनट बाद इसे खोल कर देखा, चेक किया, बीच से देखने में ये हल्का सा गीला लग रहा है, साइड से तो अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसका ढक्कन फिर से बंद करके 10 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पे बेक करते हैं। फिर ओपन करके देखा, ये अच्छे से बेक हो चुका है। बहुत ही फ्लफी सॉफ्ट केक बना है। टूथपिक से चेक किया, टूथपिक में ये चिपक कर नहीं आ रहा है, क्लीन आ रही है हमारी टूथपिक, यानी कि ये परफेक्ट बेक हो चुका है। अब इसे 10 से 15 मिनट कढ़ाई में ही रखे रहने दिया। जब ये ठंडा हो गया तो इसे प्लेट में निकाल लिया उल्टा करके। इसका बटर पेपर अलग कर देते हैं, ऐसा कागज़ लगाते हैं कि बटर पेपर का ही काम करता है। बहुत ही स्पंजी केक बना है। आपके पास टर्नटेबल नहीं है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। और यदि नहीं है टर्नटेबल तो आप कोई भी बाउल के ऊपर ऐसे चौड़ी कोई भी थाली या प्लेट ले लें ताकि जहाँ साइड से किनार उठी हुई हो और बाउल के ऊपर रखकर ऐसा घुमाते हैं तो ये टर्न टेबल का ही काम करती है। देखिए कितने स्मूथली घूम रहा है। अब केक का ऊपर वाला पोर्शन निकाल कर अलग कर देते हैं चाकू से। ऐसे इसकी 3 लेयर कर लिया है। आसानी से घुमा घुमा कर आप इसके पोर्शन कर सकते हैं, 2 या 3 जितना करना चाहते हैं आप। मैंने यहाँ पर 3 किया है। सुबह सिरप बनाने के लिए 2 टेबल स्पून चीनी का बूरा लिया है। चीनी को बारीक मिक्सर में पीस लिया था। इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। यह हमारा शुगर सिरप बनकर रेडी हो गया है। चीनी और पानी का यूज़ करके आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस डालना चाहते डाल सकते हैं। ये व्हिप्ड क्रीम मैंने घर पर बनाया है, वो भी दूध से और बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक बीटर का यूज़ किए हुए। तो आप इसका भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब टर्न टेबल के ऊपर ऐसा प्लेन प्लेट रख के इसमें थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा दिया है और केक का एक पोर्शन रख दिया है। अब इसे शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करते हैं। शुगर सिरप डालने से ये अच्छा स्वादिष्ट तो लगता ही है और सॉफ्ट लगता हमारा केक, इसलिए शुगर सिरप डालना ज़रूरी है। इसमें व्हिप्ड क्रीम लगा दिए। आप इसे कोई भी चाकू या स्पैचुला से इसे प्लेन कर सकते हैं। इसके ऊपर दूसरा केक का लेयर रख दिया है और इसे भी शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करते हैं। यदि हम शुगर सिरप नहीं डालेंगे तो हमारा केक खाने में ड्राई लगेगा। अब इसमें फिर से व्हिप्ड क्रीम लगा दिया है। ये व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल प्योर घर पर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में जाकर व्हिप्ड क्रीम बनाने का वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। 3rd लेयर रख दिया, इसे भी शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर दिया। ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर सिरप लगाएं। अब व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया है। आपको जो भी कलर देना है आप उस कलर से डिज़ाइन बना सकते हैं केक के ऊपर। मैंने येलो कलर की डिज़ाइन बनाने के लिए कलर ऐड किया है। फूड कलर 5 से 6 रुपए में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब केक के ऊपर येलो कलर लगा दिया है, येलो कलर का व्हिप क्रीम पूरा लगा दिया है, ये अच्छे से लगा दिया है। अब इसको फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि हमारी क्रीम अच्छे से केक अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसमें डिज़ाइन बनाते हैं। अब व्हाइट वाली व्हिप्ड क्रीम के ऊपर मैं पिंक कलर ऐड करके डिज़ाइन बनाते हैं।
आपको जैसी भी डिज़ाइन देना है आप वैसी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाता है केक। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। ये मार्केट में ऐसे डेकोरेट करने के लिए मिल जाता है, नहीं तो आप जेम्स की बॉल्स भी रख सकते हैं। चेरी रख दिया है इसको डेकोरेशन के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। मैं आपको इसको काटकर भी बताती हूँ कितना स्पंजी और स्वादिष्ट केक तो बना हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोज लाती रहती हूँ। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। ओके फ्रेंड्स, बाय।